वेलकम टू मंधान अकेडमी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक टू रिमेंबर फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। हेयर आर सेट ऑफ सिक्स फॉर्मूलाज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर कैलकुलस। सो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट फार्मूला है 1/x² + x². ये फार्मूला देख के कुछ फील आ रहा है क्या? आर यू फीलिंग समथिंग? टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x². तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन आएगा टेन इनवर्स x। यहां तक तो बात ठीक थी, पर यहां पे ए स्क्वायर है, यहां पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सिर्फ अपॉन में ए आ जाएगा। सो माय आंसर इज 1/a टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। प्लस सी तो आपको पता है क्यों आता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों फॉर्मूले इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोनों में एक कॉमन चीज है, 1/2a 1/2a। दोनों में आएगा लॉग। ठीक है, आप सिर्फ ये वाला रिमेंबर रखो, x माइनस ए। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दो x माइनस ए। अब न्यूमरेटर में जो लिखा है सेम एलिमेंट्स, बस साइन बदल जाएगी, x प्लस ए। क्लियर? सिर्फ ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना है। अब इसमें क्या होता है, अब आ गया a माइनस एक्स। अब मुझे बताओ, एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या बुरे मार्क्स लाने हैं? हर एक को कैसा चाहिए? ए प्लस मार्क्स चाहिए। तो आप ऐसे रिमेंबर रख सकते हो कि ये होगा a प्लस एक्स। ए प्लस ही चाहिए ना सभी को, a प्लस एक्स। यहां में तो प्लस का सवाल नहीं है, a प्लस का फंडा सिर्फ यहीं लगेगा। और आपको मैंने बताया है एनआर और डीआर में साइन का डिफरेंस होता है। अगर मैंने ऊपर ए प्लस एक्स लिखा है तो नीचे क्या आना चाहिए? ए माइनस एक्स। क्लियर? प्लस सी तो सबको पता है, आने ही वाला है। सो आई होप कि आपको भी एग्जाम में ए प्लस मार्क्स आए, आई होप। नेक्स्ट फंडा देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। 1/a² - x² इन द रूट। रूट वाले इससे भी ज्यादा सिंपल है। अच्छा, ये देख के ना मुझे एक फील आ रहा है, आपको भी एक फील आ रहा है क्या? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 - x². बट ये ऐसा ही है, सिर्फ a आ गया है, यहां पे a आ गया है। सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, बट यहां पे a आ चुका है तो सिर्फ a से डिवाइड। टैन में देखो 1/a बाहर था, साइन में बाहर कुछ नहीं रहेगा। क्लियर? इन दोनों के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा फंडा है लॉग, और इसमें भी आ जाएगा लॉग। क्लियर? दोनों में लॉग है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे मॉड्यूलस, क्योंकि लॉग कभी नेगेटिव नहीं होता, दैट्स वाई मॉड्यूलस। यहां तक क्लियर? दोनों में आएगा लॉग और मॉड्यूलस। कुछ भी नहीं है इसमें, एक्स लिख दो, यहां पे भी एक्स लिख दो, और ये वाला क्वेश्चन एज इट इज पटक दो, उठा के पटक दो, लिख दो। खत्म, और कुछ भी नहीं था। ये तो साइन इनवर्स एक्स जैसा दिख रहा था, इसमें करना क्या है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन तो यही है, इसी पूरी रूट की टर्म को हमने उठा के रख दिया। सो सिंपल, ये मेमोनॉमिक्स आप रख सकते हो, रिवाइज जितना करोगे उतना आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपका कुछ जाने नहीं वाला, बट आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफी मोटिवेशन बन सकता है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट आप बटन क्लिक करके अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर विजिटिंग ऑन चैनल। आई होप आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो। हैव अ गुड डे।